हाय एवरीवन, दिस इज शारदा। वेलकम टू दिस चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इन टुडे सेशन वी विल लर्न इनइक्वालिटी पार्ट थ्री। जैसे कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट सेशन में जो लिया था इनइक्वालिटी पार्ट टू वन लिया था, जिसमें हमने इनइक्वालिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे कि इनइक्वालिटी होता क्या है और कैसे इसको करना है हमको। और नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था जो सिंगल स्टेटमेंट होते हैं उसके क्वेश्चन हमने किए थे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि सेकेंड पार्ट में। एंड मूव टू द इनइक्वालिटी पार्ट थ्री, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो डबल स्टेटमेंट होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि उन डबल स्टेटमेंट को कैसे सिंगल स्टेटमेंट में कंबाइन किया जाता है और कैसे उसका आंसर निकाला जाता है। और ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग हाई लेवल की तरफ मूव करेंगे। और इस इनइक्वालिटी पार्ट में हम सभी पार्ट करेंगे जो कि मेन एग्जाम लेवल तक के हम सभी क्वेश्चन इसके अंदर करेंगे, ताकि आपको प्री एग्ज़ाम के बाद मेन एग्ज़ाम की पढ़ाई के लिए अलग से कोई पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने इतने पार्ट देख लिए तो आपको और कहीं भी यूट्यूब पे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है इनइक्वालिटी के बारे में। तो विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम स्टेटमेंट में देखेंगे कि स्टेटमेंट में क्या है और उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे। तो पहले तो हम कंक्लूजन स्टेटमेंट में देखा है कि हमने दो स्टेटमेंट दिए हैं उसको कंबाइन करना है। पहले कि सेकेंड पार्ट में सिंगल स्टेटमेंट से निकालना बहुत इजी होता है, और ये जो है सेकेंड डबल स्टेटमेंट का होता है, तो उसको हम दोनों को कंबाइन करना है, दो स्टेटमेंट को मिला के एक स्टेटमेंट बनाना है जिससे कि हम इजीली आंसर निकाल सकें। तो कंक्लूजन में क्या दिया है, पहले कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन में कौन सा वेरिएबल दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसका बेसिक देख लेते हैं कि क्या होता है, फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। ये फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड रैंक है और ये थर्ड रैंक है। फर्स्ट रैंक यानी कि ग्रेटर, सेकंड रैंक यानी कि ग्रेटर और इक्वल, एंड थर्ड रैंक यानी कि इक्वल। तो इसके देखेंगे कि दो वेरिएबल के बीच में कौन सा है। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट रैंक वाला होता है तो उसको प्रायोरिटी देंगे, अगर सेकंड रैंक वाला होता है तो उसको देंगे, थर्ड रैंक वाला होता है तो वो तो रहेगा ही। तो अगर तीनों के बीच में अगर देखा जाए 1 2 3, जैसे रैंक वाइज मैंने आपको बताया है, उसमें अगर फर्स्ट रैंक रहा तो सेकंड और थर्ड को नहीं देखेंगे, फर्स्ट को ही प्रायोरिटी देखेंगे। प्रायोरिटी बेसिस है, अगर आप ऐसे समझोगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट ओवरऑल। सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या दिया है कि P इज ग्रेटर और इक्वल देन यस। तो यहाँ पे P कहाँ है, स्टेटमेंट में देखेंगे कि P कहाँ पे दिया हुआ है। P देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और यस यहाँ पे दिया है। अब देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कितने कौन से रैंक है। अगर आप, मैंने यहाँ पे आपको रैंक के हिसाब से बताया, आप रैंक के हिसाब से अगर समझेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे यस है और यहाँ पे पी है, तो कितने रैंक हैं, ये एक थर्ड रैंक है और ये दोनों एक ही तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है, सेकंड रैंक है। अब इस रैंक में ये वाला भी आ गया, जैसे हम ग्रेटर ग्रेटर इक्वल ये रैंकिंग कर रहे हैं, वैसे स्मॉलर स्मॉलर इक्वल और इक्वल इसको भी रैंकिंग करेंगे। बस कंडीशन इसमें ये होती है कि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये ए कैटेगरी है और ये बी कैटेगरी है, तो ए कैटेगरी का कंपैरिजन बी कैटेगरी के साथ में नहीं करेंगे हम। ए कैटेगरी में क्या आता है, ग्रेटर ग्रेटर और इक्वल ये ए कैटेगरी के हैं, लेसर लेसर और इक्वल ये बी कैटेगरी के हैं। तो अगर एक में ए कैटेगरी का फर्स्ट रैंक दिया है, दूसरे में बी कैटेगरी का सेकेंड रैंक दिया या फिर फर्स्ट रैंक दिया, उसका कंपैरिजन नहीं होगा। ए कैटेगरी और बी कैटेगरी एक अलग अलग हैं, ये दोनों किसी के भी साथ में, मतलब इन दोनों का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो उस कंडीशन में हम करेंगे रिलेशन के एंड स्टैब्लिश, ये उसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इन दोनों के बीच में कितने रिलेशन है। देखो एक है, यानी कि ये बी कैटेगरी का है। देखो यहाँ पे लेस बी बोल सकते हैं, या फिर पी के हिसाब से देखा तो ये ए कैटेगरी भी हो सकता है, वो जाने दीजिए, आप इतना कंफ्यूज मत होइए उसके अंदर। देखिए यहाँ पे कितने साइन दिए हैं, एक तो वन साइन दिया है और ये दूसरा साइन दिया है, यानी कि ये थर्ड रैंक वाला है और ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड सेकंड रैंक वाले हैं। तो प्रायोरिटी किसको देंगे हम लोग, सेकंड रैंक वाले को प्रायोरिटी देंगे। तो क्या होना चाहिए, यस और पी के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, यहाँ पे पी लिखा है और ये कंक्लूजन में दिया है और ये प्री ग्रेटर और इक्वल उसके बाद यस दिया है। तो यहाँ पे देखिए पी की तरफ इसका मुंह है, यानी कि पी दोनों में जो दो साइन आए हैं बीच में पी और एस के, यहाँ पे एक तो इक्वल है उसके बाद में ग्रेटर और इक्वल दिया है, यानी कि पी की तरफ ही मुंह ओपन होना चाहिए। तो ये कंक्लूजन हमारा राइट है, जबकि सेकेंड और थर्ड रैंक है तो प्रायोरिटी हम सेकेंड रैंक को देंगे और पी की तरफ मुंह ओपन है, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी पी की तरफ मुंह ओपन दिया है। अगर इसमें ऐसा हो जाता हमारा तो वो रॉन्ग हो जाता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यस की तरफ नहीं दिया है, यस तो छोटा है तो यहाँ पे बड़ा है, तो यह कंक्लूजन में ऐसा दिया है तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन में ऐसा दिया है तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आई और आर की बारी आती है, तो आई और आर के बीच में कितने साइन हैं, एक तो फर्स्ट रैंक वाला है, दूसरा सेकेंड रैंक वाला है और तीसरा थर्ड रैंक वाला है।
तो आई और आर की बारी आती है तो तीन रैंक इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो आई इज ग्रेटर, तो किसको प्रायोरिटी देंगे हम लोग, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीन रैंक है तो तीन रैंक में प्रायोरिटी किसको देंगे हम, फर्स्ट रैंक वाले को देंगे। तो आई इज ग्रेटर देन आर, तो यहाँ पे देखिए देखिए आई यहाँ पे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ पे आर है, तो फर्स्ट रैंक वाला इसके प्रायोरिटी किसको देंगे हम, फर्स्ट रैंक वाले को देंगे। तो आई इज ग्रेटर देन आर ये क्या जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि आई की तरफ मुंह ओपन है। तो आई इज ग्रेटर देन आर ये जो कंक्लूजन है ये हमारा राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए और बी कैटेगरी का कंपेरिजन किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। अगर ए का कोई भी रैंक हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो, और बी का कोई भी रैंक हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो, इसके साथ अगर कंपेरिजन होगा तो वो रिलेशन कैन स्टैब्लिश, ऐसा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही जो बोलते हैं ना मेन पॉइंट है ये। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या दिया है, कंक्लूजन में देखते हैं कि कंक्लूजन में क्या दिया है, कि कंक्लूजन में टी और डी के बीच की बात की गई है। यहाँ पे टी, यहाँ पे टी तो देखिए यहाँ पे है, अब डी कहाँ है, डी यहाँ पे है। अब इन दोनों के बीच में एक ऐसा कॉमन फैक्टर्स ढूंढिए जिससे कि दोनों जो ये अलग अलग फैमिली है, दो स्टेटमेंट है, उनको कंबाइन किया जा सकते हैं। तो कंबाइन कैसे करेंगे हम लोग, जब दो स्टेटमेंट में कोई एक कॉमन फैक्टर होगा तो उसको लेके हम कंबाइन करेंगे। देखते हैं कि इस कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए इसके अंदर भी ए है और इसके अंदर भी ए है, तो इसको हम कॉमन एज अ कॉमन फैक्टर इसको मानेंगे। तो ये कॉमन फैक्टर मानेंगे और दोनों स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, जहाँ तक कि टी और डी की बात आ रही है। तो स्टेटमेंट को अगर मैं ज्वाइन करती तो क्या आ जाएगा, टी इज ग्रेटर इक्वल देन ए, ये जो है उसको मैंने वैसे ही लिख दिया है, टी इज ग्रेटर इक्वल देन ए। अब ए की जो बारी है, अगेन ए इज ग्रेटर इक्वल देन डी। अब मैंने डी क्यों लिया, ए के साथ में जे का भी रिलेशन ले सकती थी, लेकिन मैंने डी क्यों लिया, डी इसलिए लिया क्योंकि इस कंक्लूजन में हम इन दोनों का रिलेशन डिफाइन करना है कि इन दोनों का रिलेशन क्या है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डी लिया है। जिसके बारे में पूछा गया है बस वही लेंगे, दूसरा वाला नहीं लेंगे, ठीक है। तो डी के बारे में पूछा था इसलिए मैंने यहाँ पर डी का रिलेशन स्टैब्लिश किया है ए के साथ में, ना कि जे का। और अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, देखें टी और डी के बीच में कितने साइन है, एक ही साइन है, कौन सा वाला है, सेकंड रैंक वाला है, तो प्रायोरिटी सेकंड रैंक वाले को ही देंगे क्योंकि एक ही साइन है तो उसको ही मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, टी की तरफ मुंह ओपन है, देखिए दोनों में भी टी की तरफ मुंह ओपन है और इक्वल है, यानी कि क्या जाएगा ये स्टेटमेंट, टी की तरफ ही ग्रेटर और इक्वल का साइन आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पूरा जो बिगिनर्स है उनको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आए कि इनइक्वालिटी पार्ट का, अदरवाइज हम इसको ईजिली मतलब बिना ये सब किए एक सेकेंड में इसका आंसर हम निकाल सकते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि उसको क्विकली हमको कैसे करना है। लेकिन ये बिगिनर्स के लिए स्टार्ट किया है मैंने, तो स्टार्ट टू एंड तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार समझ लिए तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, आर इज ग्रेटर और इक्वल देन एस, देखिए आर यहां पे है और यस यहां पे, ठीक है। तो आर और यस के बीच में क्या रिलेशन है, अब कितने साइन है, ये थर्ड रैंक वाला है, अगेन ये सेकंड रैंक वाला है, देखिए ये सेकंड रैंक वाला है और अगेन सेकंड रैंक वाला है। लेकिन आप एक बात नोटिस कीजिए, इतना देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए यहां पे क्या है, ये अलग अलग साइन है, ऑब्वियसली ये रैंक तो इनकी सेकंड है लेकिन अलग अलग कैटेगरी के हैं। देखिए ये वाला जो ग्रेटर है ये ए कैटेगरी का है, सेकंड रैंक वाला, ये जो है ग्रेट लेसर और इक्वल ये क्या है, बी कैटेगरी का है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ए और बी अगर किसी भी स्टेटमेंट में आ जाए जिसके बीच में हमको रिलेशन डिफाइन करना है, उन दोनों के बीच में अगर आ गया तो रिलेशन कांट स्टैब्लिश इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब ए कैटेगरी का है बी कैटेगरी का है, उन दोनों की जमती नहीं है, उन दोनों एक दूसरे के पक्के दुश्मन है, तो उनके बीच में हम रिलेशन नहीं स्टैब्लिश कर सकते, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा हमारा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्या दिया है, स्टेटमेंट ये है, ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन हम पहले देखेंगे कि कंक्लूजन में किसके बारे में पूछा है, कौन से वेरिएबल के बारे में पूछा, और वही स्टेटमेंट में उसी को जाके पकड़ेंगे, ना कि पूरा देखते बैठेंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन में तो ए और ई के बारे में पूछा है, तो ये तो सिंगल, ठीक है ये सिंगल स्टेटमेंट ही हो जाएगा हमारा। क्या रहे, देखिए यहाँ पे सेकेंड रैंक है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ये भी सेकेंड रैंक है, अगेन सेकेंड है, अगेन सेकेंड है। लेकिन एक बात नोटिस किया आपने कि ये ए कैटेगरी का है और ये बी कैटेगरी का है, देखिए यहाँ पे साइन अपोजिट हो गए ना, तो रिलेशन कांट स्टैब्लिश, ओके। फिर क्या दिया है, सी और यफ के बारे में पूछा है, सी यहाँ पे है और यफ यहाँ पे, तो सी के बीच में सेकेंड है, अगेन सेकेंड, अगेन वन। लेकिन एक बार नोटिस कीजिए, सेकेंड सेकेंड वन है, तो प्रायोरिटी हम वन को देंगे। क्यों वन को देंगे, क्योंकि देखिए साइन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये लेसर इक्वल है, ये लेसर इक्वल है और ये भी लेसर इक्वल है, अगर सी के हिसाब से देखा जाए। लेकिन ग्रेटर एफ के हिसाब से देखा जाए तो ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर इक्वल है और ये ग्रेटर है।
ये बात ध्यान में रखना है आपको कि साइन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर अपोजिट डायरेक्शन आ गया दो वेरिएबल के बीच में तो वो रिलेशन कांट स्टैब्लिश होता है, लेकिन यहाँ पे साइन एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो हम रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, इसका आंसर मिल सकता है हमको। तो एक ही डायरेक्शन में है, सेकेंड रैंक है और फर्स्ट रैंक है, तो प्रायोरिटी किसको देनी है? फर्स्ट रैंक वाले को, यानी कि यफ क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे भी क्या दिया है आपको? यफ बड़ा है, यफ बड़ा है सी से। और यहाँ पे भी क्या दिया है? यफ की तरफ सबके मुंह ओपन है। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि जिसकी तरफ मुंह ओपन होगा वो क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। ओके, बड़ा होगा या फिर बड़ा और इक्वल, यानी कि ग्रेटर और इक्वल होगा या अदरवाइज ग्रेटर होगा, लेकिन यहाँ पे यफ की तरफ मुंह है यानी कि यफ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा कंक्लूजन राइट है। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि जे और जी के बीच में रिलेशन क्या है। देखिए जे यहाँ पे है, जी यहाँ पे, दोनों को ऐड करना है हमको, दोनों को कंबाइन करना है। दो स्टेटमेंट है, उसको कंबाइन करेंगे एक सिंगल स्टेटमेंट से, सॉरी सिंगल वेरिएबल से। तो दोनों में सिंगल वेरिएबल कौन सा है, कॉमन क्या है? देखिए ए है, फिर से तो ए है, ए इज लेसर इक्वल देन जे। अब मैंने जे को क्यों लिया, डी को क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमको जो कंक्लूजन है वो जे के बारे में पूछा है, इसलिए मैंने जे लिया है ना कि डी लिया। फिर यहाँ पे ए से और जी से कहाँ कैसे जाया जाए, क्योंकि जी को क्यों लेंगे? क्योंकि जी को ही पूछा गया इसलिए। तो ए और जी के बीच में रिलेशन क्या है? देखिए यहाँ पे फर्स्ट रैंक है, यहाँ पे सेकेंड है और यहाँ पे थर्ड रैंक है, तो किसको प्रायोरिटी? और तीनों भी क्या है? एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि इक्वल का तो कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड रैंक क्या है? एक ही डायरेक्शन में, तो रिलेशन हो सकता है इनके बीच में। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को, थर्ड है तीन रैंक है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे? फर्स्ट रैंक वाले को। तो जी बड़ा है यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा? जी इज ग्रेटर देन ए, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, प्रायोरिटी किसको देंगे हम? देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक है, प्रायोरिटी फर्स्ट रैंक को देंगे। जी की तरफ मुंह खुला हुआ है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जी बड़ा है ए से। अब ये सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया। अब सिंगल स्टेटमेंट से हम इजिली निकाल सकते हैं जे इज ग्रेटर देन जी निकाला। देखिए यहाँ पे जे, एक बार देखिए आप यहाँ पे क्या आई दिया है? अपोजिट डायरेक्शन आ गए हैं, एक ए कैटेगरी का आ गया है, एक बी कैटेगरी का आ गया है, तो रिलेशन क्या करेंगे? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता दोनों भी, क्योंकि दोनों में जे और जी ही वेरिएबल दिए हैं, तो रिलेशन नहीं एस्टैब्लिश कर सकते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर इज ग्रेटर इक्वल देन एल। देखिए आर यहाँ पे है, अब एल यहाँ पे, दोनों के बीच में कॉमन क्या है? यहाँ पे एल है यहाँ पे और यहाँ पे क्यू है, तो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे एल के हेल्प से, क्योंकि दोनों में क्यू तो नहीं है यहाँ पे, तो एल है, तो एल को ऐड करेंगे हम लोग। तो लेकिन यहाँ पे तो यल और आर मिल रहा है, इन दोनों में देखो एक ही स्टेटमेंट में हमको यल और आर मिल रहा है, तो इसको जाने की जरूरत नहीं है आपने यहाँ सेकंड तक। तो यल और आर के बीच में ये सेकंड रैंक है, ये सेकंड रैंक है, ये फर्स्ट रैंक है, लेकिन ये और ये अलग अलग कैटेगरी के हैं, ये इनकी रैंकिंग क्या है? अलग अलग कैटेगरी की है, तो हम लोग रिलेशन नहीं डिफाइन कर सकते। अब ई और क्यू को कैसे कंबाइन करेंगे? दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? यल कॉमन फैक्टर है। जब यल और आर के बीच में हम रिलेशन नहीं कर सकते, तो यल और ई के बीच में भी रिलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि आर तक जाते जाते ई भी तो उसके रास्ते में आता है, तो ई के साथ भी हम रिलेशन नहीं डिफाइन कर सकते। तो क्या करेंगे? जब ई के साथ में ही रिलेशन इसका नहीं होगा, तो क्यू के साथ में भी नहीं होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, देखिए आप, अगर यल इज ग्रेटर इक्वल देन क्यू लिखती हूँ, और यल के हिसाब से क्यू का ई का रिलेशन क्या हो जाएगा? ई का रिलेशन तो हम कुछ भी नहीं निकाल सकते, ठीक है ना? तो ई और क्यू का कहाँ से बनेगा रिलेशन? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जब यल से आर तक हम नहीं जा सकते, तो यल से ई तक भी हम नहीं जा सकते। तो ई तक अगर नहीं गए हम लोग, तो यल और क्यू के बीच में भी हम लोग, यल और क्यू के बीच का तो रिलेशन डिफाइन है हमको, लेकिन ई से क्यू तक जाना है ना, तो ई से क्यू तक का रास्ता क्या है? बंद है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? कांट स्टैब्लिश हो जाएगा रिलेशन। तो ये हमने डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस देख लिए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। और वैसे भी सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लगते, लाइक कमेंट के लिए भी पैसे नहीं लगते, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।